हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एमएस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल एमएस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा गेमिंग मोड के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहते हैं अल्ट्रा गेमिंग मोड, क्या होता है और आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सेटिंग सिर्फ वीवो फ़ोन्स के अंदर होती है और ये फंक्शन सिर्फ वीवो फ़ोन्स के अंदर ही अवेलेबल है और अदर फ़ोन वालों के लिए नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये ट्रिक सिर्फ वीवो फ़ोन वालों के लिए है, अदर फ़ोन वालों के लिए नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं ट्रिक की ओर। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे आ जाना है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वाली सेटिंग पे आना है। दोस्तों, आपको सिंपली इस वाली सेटिंग पे क्लिक करना है और आपको अपने फ़ोन की सेटिंग पर आ जाना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, और सेटिंग पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, अल्ट्रा गेम मोड। दोस्तों, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर प्लस करके यहाँ पे आपको अपने सारे गेम्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे फ़ोन के अंदर जो दोस्तों आप देख सकते हैं पबजी वाला गेम है। दोस्तों, मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। दोस्तों, देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर दो ऑप्शन दिख जाएंगे, एक क्रॉस वाला और एक राइट वाला। दोस्तों, आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डन कर लेना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने ये गेम डन कर लिया है, मेरा गेम जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। दोस्तों, आपके जितने भी गेम हैं आपको यहाँ पर डन कर लेने हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अल्ट्रा गेमिंग मोड की सेटिंग्स के बारे में, जिससे आप इसको अनेबल कर सकें। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर जो देख सकते हैं साउंड लोकेजंस, दोस्तों आपको इसको ऐसे ही रहने देना है जैसे फ़ोन के अंदर है ऑलरेडी, इसको कुछ नहीं करना है। दोस्तों, अब आपको सेकंड वाले पे आ जाना है, गेम असिस्टेंट। दोस्तों, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके इन दोनों नोटिफिकेशंस को अलाउ कर देना है। तो दोस्तों, मैं इनको अलाउ कर देना हूँ, और अलाउ करने के बाद इनको बैक आ जाना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड कॉल को। दोस्तों, आप गेम खेलते टाइम क्या कहते हैं, अगर बैकग्राउंड में कॉल चाहते हो तो इसको अनेबल कर दें। और क्या कहते हैं, ये नंबर आपको मिल जाएगा ब्लॉक नोटिफिकेशन। दोस्तों, इसका मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको व्हाट्सएप, ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया पर आपको या आपके नंबर पे भी अगर कोई मैसेज करता है या कुछ और नोटिफिकेशन आपको सेंड करता है, तो दोस्तों अगर आप उसको ब्लॉक करना चाहते हो तो इसको ब्लॉक कर देना है। दोस्तों, तो ये मैं ब्लॉक कर देता हूँ। और उसके बाद आपको एक्सपोर्ट मोड, दोस्तों आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट मोड, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है इन सारी परमिशन को जो है अलाउ कर लेना है। दोस्तों, मैंने सारी की सारी परमिशन अलाउ कर दी है, आपको भी अलाउ कर लेना है। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं रिजेक्ट। दोस्तों, रिजेक्ट वाला ये पंगा है थोड़ा ना मुश्किल है, और इसको थोड़ा समझिए दोस्तों, उसके बाद ही इस परमिशन को अलाउ करना। दोस्तों, रिजेक्ट का मतलब होता है आपको कोई बंदा अगर कॉल करेगा तो उसकी कॉल जो है एक रिंग आने के बाद जो है ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन पर जो है कॉल आई है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में क्या होता है, आपके घरवाले या आपकी जीएफ या आपका बॉस कोई भी आपको कॉल करता है, आप गेम खेल रहे हो और आपको कॉल का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको कॉल का पता नहीं चलेगा, तो यार उसको लगेगा कि आपने उसको ब्लॉक कर दिया, या फिर किसी को अर्जेंट कॉल हुआ तो वो आपको कॉल का नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, तो आप कैसे पिकअप करोगे। तो आपके पास इसके लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब उसकी कॉल जो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप क्या कहते हैं गेम खेलते टाइम सारी कॉल्स को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो ही इसको अनेबल करना, अदरवाइज इसको नहीं करना। तो दोस्तों, मैं इसको अनेबल कर देता हूं, क्योंकि मैं तो एक दो बैटल ही खेलता हूं और क्या कहते हैं ज़्यादातर नाइट में खेलता हूं, तो नाइट में तो किसी का कॉल नहीं आता इसके लिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसको अनेबल कर दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना। अब आपको यहाँ पर जो है रिजेक्शन से नीचे आप देख सकते हैं गेम काउंटडाउन। तो दोस्तों, आपको गेम काउंटडाउन को अनेबल कर देना है, क्योंकि क्या होगा मतलब जब भी आप गेम ऑन करोगे ना, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको क्या कहते हैं गेम शुरू होने से पहले क्या कहते हैं यहाँ पे काउंटिंग शो कराएगा, 3-2-1 वाला सिस्टम। दोस्तों, अब यहाँ पे जो डिसेबल ऑटोमेटिक मोबाइल वाईफाई कनेक्शन, दोस्तों आपको इसको क्या कहते हैं अनेबल कर देना है। इससे क्या होता है मतलब मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। डिसेबल ऑटोमेटिक वाईफाई कनेक्शन मतलब अगर आप वाईफाई से खेल रहे हो या कोई भी आपसे फ़ोन से वाईफाई ले रहा है, मतलब कोई भी बंदा उसका ऑटोमेटिकली ना मतलब आपका जो कनेक्शन है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, बंद हो जाएगा, तो इसके लिए इसको ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ से नीचे आ जाते हैं प्रिवेंटिंग एसिस्ट टच। दोस्तों, आपको इसको क्या कहते हैं जो आप देख सकते हैं डिसेबल थ्री फिंगर स्क्रीन कैप्चर। दोस्तों, आप जो थ्री फिंगर से वीवो के फ़ोन के अंदर जो स्क्रीनशॉट लेते हो, अगर उसको डिसेबल करना चाहते हो तो इसको भी कर दो। तो दोस्तों, मैं इसको डिसेबल नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मैं चिकन डिनर करूँगा तो दोस्तों उसका एक्सेस कैसे लूँगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद जो आपके फ़ोन की सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं, अब क्या कहते हैं आपको यहाँ पे जो इसको अल्ट्रा
अनेबल अल्ट्रा गेम मोड। दोस्तों आपको इसको अनेबल करना है। अनेबल करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। फिर आपको क्या कहते हैं ये सेटिंग अनेबल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा दोस्तों। यो ये सारे फीचर्स हैं, इनके अंदर आपको एक कैलकुलेटर है, ईजी टच है, अल्ट्रा मोड है। दोस्तों आपको अल्ट्रा मोड को सिंपली अनेबल कर देना है। दोस्तों देख सकते हैं मैंने अनेबल कर दिया, और अनेबल करने के बाद दोस्तों आपका ये अल्ट्रा मोड ओपन हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या फ़ायदा है दोस्तों। तो आपको यहाँ से बैक आ जाना है। जैसे आप क्या कहते हैं मेरे फ़ोन के अंदर पबजी है, आपके फ़ोन के भी अंदर कोई ना कोई गेम होगा, जाहिर सी बात है दोस्तों। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो गेम नहीं खेलता हो, सारे बंदे गेम खेलते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, अब मैंने जो सेटिंग्स की हैं ये जो अल्ट्रा मोड है, अगर मैं अल्ट्रा मोड को अनेबल करके गेम खेलूँगा तो दोस्तों मेरे को ना कोई कॉल आएगा ना कोई मैसेज आएगा, मतलब सारे नोटिफिकेशन एकदम से ब्लॉक हो जाएंगे। और मैं क्या कहते हैं अपने गेम को जो है एकदम ईजीली और क्या कहते हैं एकदम रिलैक्स फील करके जो अपने गेम को खेल सकता हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप गेम खेलते हैं और आपको बहुत सारे कॉल और नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो यार ये उस सिचुएशन के लिए है। आप अल्ट्रा गेमिंग मोड पर क्या कहते हैं अपना गेम्स को आराम से खेल सकते हो, आपको कोई परेशानी होगी नहीं। तो आज की वीडियो में बस मैं आपको यही बताना चाहता था कि आप अल्ट्रा गेमिंग मोड का आप यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ट्रिक में।